काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ को धाम, मरने पर गंगा मिले जियते लंगड़ा आम। बनारस आज भी बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, पर जिस चीज़ के लिए यह सारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है वह है बनारस का लंगड़ा आम, जिसे देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और वे उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। बनारस के लंगड़ा आम की जन्म कथा भी रोचक है, 250 वर्ष पहले की घटना है। कहते हैं बनारस के एक छोटे से शिव मंदिर में, जिसमें लगभग 1 एकड़ जमीन थी जो 4 दीवारियों से घिरी हुई थी, एक साधु आया और मंदिर के पुजारी से वहाँ कुछ दिन ठहरने की आज्ञा मांगी। पुजारी ने कहा मंदिर परिसर में कई कक्ष हैं, किसी में भी ठहर जाएं। साधु ने एक कमरे में धुनी रमा दी। साधु के पास आम के 2 छोटे-छोटे पौधे थे जो उसने मंदिर के पीछे अपने हाथों से रोप दिए। सुबह उठते ही सर्वप्रथम उसको पानी दिया करता। जैसा कि कण्व ऋषि के आश्रम में रहते हुए कालिदास की शकुंतला किया करती थी। साधु ने बड़े मनोयोग के साथ उन पौधों की देखरेख की। वे 4 साल तक वहाँ ठहरे। इन 4 वर्षों में पेड़ काफ़ी बड़े हो गए। 4थे वर्ष आम की मंजरियाँ भी निकल आईं, जिसे साधु ने तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा दी। फिर वह पुजारी से बोला, मेरा काम पूरा हो गया, मैं तो रमता जोगी हूँ, कल सुबह ही बनारस छोड़ दूँगा। तुम इन पौधों की देखरेख करना और इनमें फल लगे तो उन्हें कई भागों में काट कर भगवान शंकर को चढ़ा देना, फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट देना। लेकिन भूल कर भी समूचा आम किसी को मत देना, किसी को न तो वृक्ष की कलम लगाने देना और न ही गुठली देना। गुठलियों को जला डालना, वरना लोग उसे रोप कर पौधे बना लेंगे। इतना कहकर साधु बनारस से चला गया। मंदिर के पुजारी ने बड़े चाव से उन पौधों की देखरेख की। कुछ समय पश्चात पौधे पूरे वृक्ष बन गए। हर साल उनमें काफ़ी फल लगने लगे। पुजारी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। जिन लोगों ने उस आम को प्रसाद के रूप में खाया, वे लोग उस आम के स्वाद के दीवाने हो गए। लोगों ने बार बार पुजारी से पूरा आम देने की याचना की, ताकि गुठली लाकर वे उसका पौधा बना सकें, पर पुजारी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस आम की चर्चा काशी नरेश के कानों तक पहुंची। वे एक दिन स्वयं वृक्षों को देखने रामनगर के मंदिर में आ पहुंचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा की और वृक्षों का निरीक्षण किया। फिर पुजारी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इनकी कलमें लगाने की अनुमति प्रधान माली को दे दें। पुजारी ने कहा, आपकी आज्ञा को मैं भला कैसे टाल सकता हूँ। मैं आज ही सांध्य पूजा के समय शंकर जी से प्रार्थना करूँगा और उनका संकेत पाकर स्वयं कल महल में आकर सरकार का दर्शन करूँगा और मंदिर का प्रसाद भी लेता आऊँगा। इसी रात भगवान शंकर ने स्वप्न दिया। काशी नरेश के अनुरोध को मेरी आज्ञा मानकर वृक्षों में कलम लगवाने दें, जितनी भी कलमें वह चाहें लगवा लें, तुम इसमें रुकावट मत डालना। वे काशीराज हैं और एक प्रकार से इस नगर के हमारे प्रतिनिधि स्वरूप हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल की पूजा समाप्त कर प्रसाद के रूप में आम के टोकरे लेकर पुजारी काशी नरेश के पास पहुंचा। राजा ने प्रसाद को तत्काल ग्रहण किया और उसमें एक अलौकिक स्वाद पाया। काशी नरेश के प्रधान माली ने जाकर आम के वृक्षों की कई कलमें लगाईं। वर्षाकाल के बाद काफ़ी जड़ें निकली हुई पाई गईं। कलमों को काटकर महाराज के पास लाया गया और उनके आदेश पर उन्हें महल के परिसर में रोप दिया गया। कुछ ही वर्षों में वे वृक्ष बनकर फल देने लगे। कलम द्वारा अनेक वृक्ष पैदा किए गए। महल के बाहर उनका एक छोटा सा बाग बनवा दिया गया। कालांतर में इनसे अन्य वृक्ष उत्पन्न हुए और इस तरह रामनगर में लंगड़े आम के अनेकानेक बड़े बड़े बाग बन गए। आज भी जिन्हें बनारस के आसपास या शहर के खुले स्थानों में जाने का मौका मिला, उन्हें लंगड़े आम के वृक्षों और बागों की भरमार नजर आई होगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विस्तृत विशाल प्रांगण में लंगड़े आम के सैकड़ों पेड़ हैं। इस आम के प्रजाति को लंगड़ा क्यों कहा जाता है? बात यह थी कि साधु द्वारा लगाए गए पौधों की समुचित देखरेख जिस पुजारी ने की थी, वे लंगड़े थे और इसलिए इन वृक्षों से पैदा हुए आम का नाम लंगड़ा पड़ गया और आज तक इस प्रजाति के आम सारे भारत में इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।